गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल वेलकम्स यू। माई सेल्फ संदीप नेहरा, यूअर हिस्ट्री टीचर। वी आर स्टडिंग अबाउट चैप्टर 10, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। टुडेज अवर टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशन राइट एंड द वाइंड ऑफ द चेंज। तो इससे पहले क्या हम पढ़ चुके हैं कि नेटिव पीपल्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे जैसे यूरोपियंस कंट्री के जो लोग थे वो वहाँ पर, उनकी जो स्ट्रेंथ है लगातार बढ़ती जा रही थी अमेरिका के अंदर, तो वैसे वैसे वहाँ के जो नेटिव पीपल्स हैं उनकी लैंड का लॉस हो रहा था, उनकी लैंड छीनी जा रही थी, उनको क्या है डेजर्ट की ओर धकेला जा रहा था, उनसे फॉरेस्ट छीने जा रहे थे। तो इस तरह से वहां पर इंडस्ट्रियल बढ़ रही थी, एग्रीकल्चर को डेवलप किया जा रहा था, रेलवेज वगैरह है उनकी लाइंस बनाई जा रही थी, उनको डेवलप किया जा रहा था। तो इन सब के बीच में जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था वो नेटिव पीपल्स का हो रहा था, वहां के मूल निवासी। एक बात ध्यान रखना, जहां भी नेटिव पीपल्स के हैं वहां पर अमेरिका के अंदर ज्यादातर वर्ड जो है इंडियंस यूज मिलेगा। इंडियंस वर्ड का मतलब यहां पर सिर्फ इंडिया के लोगों से नहीं है, इंडियन वर्ड्स का मतलब यहां पर अमेरिका के उन नेटिव पीपल से है। तो हमारा आगे का टॉपिक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी उनको संविधान के अधिकार दिए गए या नहीं दिए गए, अगर दिए गए तो कैसे दिए गए, कैसे कैसे वहां पर वाइंड क्या है चेंज होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की अगर हम बात करें, संविधानिक अधिकारों की अगर हम बात करें, तो अगर हम क्या है डेमोक्रेटिक स्प्रिट की बात करते हैं तो वहां नेटिव पीपल्स को स्टार्टिंग में, क्योंकि 1770 में आपको पता है कि यूएसए के अंदर मूवमेंट चली थी, आंदोलन चला था उसको स्वतंत्र करने का, उसको फ्रीडम मिली थी 76 के अंदर, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको राइट ऑफ प्रॉपर्टी दिया गया था, फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, और वो राइट ऑफ प्रॉपर्टी और जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट ऑफ वोट है, वो सारे के सारे राइट सिर्फ किसको दिए गए थे, गोरे लोगों को दिए गए थे, यानी व्हाइट पीपल्स को दिए गए थे। नेटिव पीपल्स को, यानी जिनको हम इंडियंस बोलते हैं वहां पर, तो उनको क्या है इस तरह के कोई भी राइट्स नहीं दिए गए, न तो उनको राइट ऑफ प्रॉपर्टी था, न उनको क्या है फंडामेंटल राइट्स थे, न उनको क्या है राइट टू वोट था। तो इस तरह से क्या है वहां कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है वो सिर्फ किसके लिए थे, व्हाइट पीपल्स के लिए थे। उनको यह बोल करके या यह कह करके क्या है नेटिव पीपल्स को ये राइट्स नहीं दिए गए कि वो क्या है वो अपने आप को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते, वो एग्रीकल्चर का डेवलप नहीं करना चाहते, वो अपना डेवलप नहीं करना चाहते, वो क्या है एक ये कह सकते हैं कि आदिवासी की तरह जीना चाहते हैं। तो इन सब बातों से हम ये कह सकते हैं कि उनको ये राइट्स नहीं दिए गए थे। 2000 के अंदर क्या है डैनियल पॉल ने एक लेटर पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने बताया कि थॉमस पाइन ने जिन्होंने क्या है 1776 के अंदर जो फ्रीडम मिली थी अमेरिका को, उसके अंदर उसका अहम रोल था। उन्होंने कहा कि थॉमस पाइने ने जो मूवमेंट चलाया था वो किनको राइट दिलाने के लिए चलाया था, नेटिव पीपल्स को इक्वल करने के लिए चलाया था। यानी उनकी मिसालें दी गई थी कि नेटिव पीपल्स किस किस तरह से वहां पर जीवन जी रहे हैं, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, यूरोपियन जो कंट्रीज के यहां पर रूल फॉलो होते हैं वो नहीं होने चाहिए, इनका खुद का क्या होना चाहिए राइट होना चाहिए। लेकिन उस समय क्या है एक बड़ी संख्या के अंदर लोग क्या है यूरोप के जाकर के वहां बस चुके थे, उन्होंने क्या है सिटीजनशिप ले ली थी एक तरह से अमेरिका की। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया गया, फ्रीडम उनको मिली, खुद यूएसए का क्या है गवर्नमेंट बनी, लेकिन राइट्स तो दिए गए वो सिर्फ क्या है वो अमेरिका के जो उन पीपल्स को दिए गए, व्हाइट पीपल्स को दिए गए जो कभी ना कभी यूरोप से जाकर के वहां बसे थे। अमेरिका के जो नेटिव पीपल्स थे उनको इस तरह के राइट्स से क्या किया गया, वंचित किया गया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है वो धीरे धीरे कैसे चेंज हुए, तो द वाइंड ऑफ चेंज, यानी जो हवा थी उसकी लहर कैसे बदलाव आए उसमें, यानी लहर के अंदर बदलाव, इस टॉपिक का नाम आप रख सकते हो। तो वह कैसे बदला है, अगर हम 1920 तक की बात करें तो नेटिव पीपल्स को यूएसए के अंदर किसी तरह का कोई राइट नहीं था, यानी कि उनकी कंडीशन वही थी जो 18 सेंचुरी में थी, यानी कि अब भी लोग उनके ऊपर जातियां करते थे, वो क्या है उनको किसी तरह का राइट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं था, वो लोन नहीं ले सकते थे, अपनी प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, इस तरह का कोई भी राइट 1920 तक उनके पास नहीं था। 1928 के अंदर लेविस मैरियम ने क्या है द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियंस, इंडियंस वर्ड यूज जो किया गया है मैंने पहले ही बताया वो सिर्फ किसके लिए है नेटिव पीपल्स के लिए। तो जब प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन में कहा गया कि उनको क्या है राइट्स दिए जाने चाहिए, उनके लिए राइट्स की डिमांड उठाई गई कि जो नेटिव पीपल्स है उनके डेवलप के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो बस्तियां बसाई गई थी, जो नेटिव पीपल्स की बस्तियां बसाई गई थी वो क्या कहलाती, रिजर्वेशंस कहलाती थी, आरक्षित कहलाती थी, उनको वहां से बाहर जाने का अधिकार नहीं था, वहां भी अगर कोई किसी तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं तो वहां से भी उनको खदेड़ दिया जाता था।
तो आगे एक एक्ट पास होता है, द इंडियन रिकॉग्नाइज एक्ट ऑफ 1934, यानी 1934 में एक एक्ट पास किया जाता है। इस एक्ट के तहत नेटिव पीपल्स को राइट दिया जाता है कि वो क्या है, बाय लैंड, यानी कि जमीन को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं अपनी जमीन, यानी उनको राइट ऑफ प्रॉपर्टी दे दिया जाता है इस तरह से, और टेक लोन और बैंक वगैरह से क्या है वो लोन ले सकते हैं। दूसरा एक्ट, फिर इसी तरह से ये एक्ट चलता रहा, लेकिन इसका भी कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी तो पहले थी नहीं, उनके पास लैंड भी नाम मात्र की थी, और वो भी ऐसी थी जो डेजर्ट एरिया के अंदर थी या जहां पर कोई रिसोर्सेज वगैरह काफी कम थे, तो इसलिए क्या है उसके ऊपर उनको लोन वगैरह भी कम मिलता था। 1950 से लेकर के 60 तक, जब इंडिया भी फ्रीडम मिल चुकी थी इंडिया को भी, तब तक भी क्या है ये नहीं कह सकते कि अमेरिका के अंदर कंप्लीटली डेमोक्रेटिक सिस्टम आ चुका था, क्योंकि वहां आज भी क्या है जो ब्लैक पीपल्स थे, इंडियंस थे, या हम ये कह सकते हैं कि नेटिव पीपल्स थे, उनको इक्वल राइट नहीं थे। 1950 से लेकर के 60 तक एंडिंग ऑफ आर स्पेशल प्रोविजन, उन्होंने कहा कि जो नेटिव पीपल्स को स्पेशल प्रोविजन में रखा गया है, विशेष अधिकारों के अंदर रखा गया है, वो खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वो खत्म इसलिए होंगे ताकि वो क्या करें कि अपने अंदर बदलाव करें, वो यूरोपियंस जिस तरह से जीवन जीते हैं उस तरह का जीवन जिए, या ये कहें कि कंट्री के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करें, अपनी संस्कृति को छोड़ के जो यूरोपियंस की कल्चर है उसको अपनाएं, लेकिन जो नेटिव पीपल्स है वो इन सबको नहीं अपनाना चाहते थे। आज भी कंडीशन वहाँ अच्छी नहीं है, आपने अभी 2 मंथ्स के आसपास एग्जांपल लॉकडाउन के अंदर एग्जांपल सुना होगा, वहाँ किसी मतलब नेटिव पीपल्स या ब्लैक इंडियन जिसको आप बोल देते हो, वहाँ पर किसी पुलिस वाले ने, यानी जो गोरा वाइट था उसने क्या है उसकी गर्दन के ऊपर पांव रखा था और उसकी डेथ हो जाती है, तो वहां पर कितना हंगामा हुआ था, क्योंकि आज क्या है ये ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम होने के कारण या यूएनओ के कारण सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले हैं अमेरिका के अंदर, लेकिन फिर भी वहां पर क्या है इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। अनेक तरह के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं यूएसए के अंदर जो क्या उनकी डिमांड उठाते हैं, अगर किसी एक को ऐसा कुछ हो जाता है तो उसकी डिमांड बड़े लेवल के ऊपर उठाई जाती है, तो इसलिए क्या है ये अमेरिका के अंदर एक तरह से होम वार जैसी स्थिति क्या है पैदा कर दी गई थी, काफी मतलब जगह पर बसेज वगैरह जला दी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया गया था, तो ये सिर्फ एक आदमी की डेथ के ऊपर ही किया गया था, तो इस तरह की सिचुएशन थी। तो 1950-60 के अंदर हम आते थे उनके स्पेशल प्रोविजन को खत्म कर दिया गया। 1954 में क्या है डिक्लेरेशन ऑफ इंडियंस राइट्स, और जो इंडियंस थे यानी जो नेटिव पीपल्स थे उनको राइट दिए गए कि आपको राइट टू वोट है, राइट फंडामेंटल राइट्स है, इस तरह के क्या है आपको सारे के सारे जितने राइट दिए जाते हैं वो राइट आपको दिए जाएंगे, ये एक्ट पास किया गया। लेकिन 1969 के अंदर ये बोल दिया गया कि नॉट रिकॉग्नाइज अबोरिजिनल राइट्स, कि आपको जो राइट्स मिले हैं वो सही नहीं है, कि आपको ये राइट्स नहीं दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये राइट्स के ऊपर बार बार पाबंदियां लगाई गई। अब भी ये सिचुएशन 1982 तक क्या है चलती रही, 1982 तक इस तरह की कंडीशन चलती रही कि उनको कंप्लीटली इस तरह के राइट नहीं मिले। 1982 के बाद उनकी संख्या भी काफी कम हो चुकी है। आज अगर हम बात करते हैं कि नेटिव पीपल्स हैं वो क्या है यूरोपियंस की अपेक्षा स्ट्रेंथ के अंदर कम हो चुके हैं, वहां पर ये कह सकते हैं कि मिनोरिटी बन चुकी है। इसके अलावा उनको आप इक्वल राइट्स है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सारा कुछ दिया गया है, लेकिन उनके पास जितनी प्रॉपर्टी वगैरह है या जिन प्रॉपर्टी के ऊपर उनका मालिकाना हक कभी होता था वो सारी आज यूरोप के किन जो पीपल्स वहां पे बसे हुए हैं उनके अंडर में, यानी वाइट पीपल्स के अंडर में आ चुकी है, उनके अंडर में काफी कम है। तो ये 1982 के बाद वहां पर क्या है कंडीशंस अच्छी हुई। तो ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स और क्या है द बाइंड ऑफ द चेंज का टॉपिक था। इसके अलावा आपके 3 टॉपिक कॉलम में दे रखे हैं, इनको समझाने के लिए कंपेयर किया गया, जिस तरह से इंडियंस अंडर ब्रिटिश रूल, जिस तरह से ब्रिटिश रूल के दौरान भारत के अंदर भारत के लोग थे, यानी अंग्रेज अपना रूल चलाते थे, इंडियंस को कोई किसी तरह का राइट नहीं था, वही कंडीशन क्या थी नेटिव पीपल्स की थी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वहां के मूल निवासी थे उनकी कंडीशन वैसी ही थी, उसी तरह की कंडीशन अफ्रीकन स्लेव की थी अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर अफ्रीका के जो स्लेव, यानी क्योंकि आपने देखा होगा 19th century के अंदर में भी, तो उसके अंदर क्या है स्लेवरी सिस्टम बहुत ज्यादा था और काफी स्लेव्स अफ्रीका से क्या है अमेरिका शिफ्ट किए गए, यूरोप शिफ्ट किए गए, तो वहां पर क्या है उनकी कंडीशन बदतर, मतलब उनको सिर्फ खाने के लिए काम करवाया जाता था, उनको मुश्किल से भी 2 या 3 टाइम फूड दिया जाता था, इनके बदले में उनसे काम किया जाता था, तो इस तरह से क्या है उनकी कंडीशन अमेरिका में थी और आज भी इनकी कंडीशन काफी मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है। तो इनको कंपैरिजन किया गया है थोड़ा सा एग्जांपल के तौर के ऊपर। तो ये आपका टॉपिक था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।